नमस्ते, आज नामीबिया ने नेपाल को दूसरी बार हरा दिया। नामीबिया की टीम की बात माननी पड़ेगी, नेपाल जैसी मजबूत टीम को दो दो बार हरा दिया। आज नेपाल की टीम में विस्फोटक बैट्समैन थे, कुशल भुर्तेल, अनिल शाह, दीपेंद्र एरी, कौशल मल। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आज नेपाल की टीम अपने सबसे विस्फोटक बैट्समैनों को नामीबिया के खिलाफ उतारी थी, और ये आप अच्छे से जानते हैं, कुशल भुर्तेल, अनिल शाह, रोहित पौडेल, दीपेंद्र एरी, जिस टीम में हो वो बहुत मजबूत टीम है। फिर भी नामीबिया ने नेपाल को हरा दिया। नेपाल हार जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी, और आज फाइनल लग रहा था नेपाल ही जीतेगा। जब 142 रन हो गए तब भी हमें उम्मीद थी कि नेपाल के बॉलर कुछ चमत्कार करेंगे, फिर भी नेपाली बॉलर कुछ नहीं कर पाए। आज नेपाल की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही फ्लॉप रही। नेपाल ने पहले खेलते हुए 37.1 ओवर में 168 रन बनाए, जवाब में नामीबिया की टीम ने 40 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए, जबकि नेपाल की टीम 168 रन पे अपने सारे विकेट गवा दिए। नेपाल के टीम के 3 बैट्समैन 0 रन पे आउट हुए। विस्फोटक बल्लेबाज अनिल शाह 0 रन पे आउट हुए, देव खनाल 0 रन पे आउट हुए, रोहित पौडेल भी 0 रन पे आउट हुए, आसिफ शेख ने 58 रन बनाए, कुशल मल ने 36 रन बनाए, भीम सारकी ने 26 रन बनाए और कुशल भुर्तेल ने 18 रन बनाए। नेपाल के एक और विस्फोटक बैट्समैन दीपेंद्र एरी केवल 6 रन पर आउट हुए। आज नेपाल की टीम को यदि देखेंगे तो एक से एक धाकड़ बल्लेबाज थे, यानी नामीबिया से ज्यादा मजबूत टीम थी, फिर भी हार गए। इसलिए नामीबिया की बात माननी पड़ेगी, अपने से ज्यादा ताकतवर टीम नेपाल को दो दो बार हरा दी। वैसे दोस्तों, क्रिकेट जो होता है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, कमजोर टीम भी मजबूत टीम को हरा देती है, जैसा कि आज नेपाल के साथ हुआ। थैंक यू।